नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। इस हमारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करेगा ताकि आपको हमारे जितने भी इस तरह के वीडियो हैं, जीवन परिचय, कहानी, कविता, निबंध जो भी हैं, उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म था वो 3 अगस्त 1886 को हुआ था और मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशी बाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चीर गांव में हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। पिता रामचरण गुप्त कनकलता उपनाम से भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। बालक मैथिली शरण पर इस साहित्यिक परिवेश का प्रभाव पड़ा और वह 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रजभाषा में कविता करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि भी थे और उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता था। उनकी कीर्ति भारत भारती, जो 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने बड़ी खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए थे। असाकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में हुई थी।